सुरपा जी, बात करें अगर कपास की, तो कपास में हमने अच्छी रैली के बाद एक नरमी भी आते हुए देखी है। कीमतें 30,000-31,000 तक भी नीचे गई हैं, और ऊपर से जो चाइना है, चाइना भी अपनी कॉटन की खरीदारी कर रहा है, बिकवाली कर रहा है। चाइना भी अपने कॉटन की सेलिंग कर रहा है चाइना में। और डोमेस्टिक लेवल पर, इंडियन पर बात की जाए, तो भारत में भी जो मिले हैं उनकी तरफ से कॉटन की अच्छी खासी डिमांड है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अब कॉटन एक बार फिर से उठती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल कॉटन में तेजी बन सकती है, क्योंकि इस बार हमने देखे हैं कि प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर पर हैं। और इनफैक्ट पंजाब की मंडियों की अगर बात करें तो अभी अराइवल्स भी काफी स्लो देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ, जितने अराइवल्स अब कम देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो परचेज की गई है सरकार की तरफ से वो भी काफी कम है। तो जो सिनेरियो, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब है इस वजह से, और मुझे लगता है कि अभी कॉटन के प्राइसेस जो है आगे चल के पिकअप हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए पिंक बोलवॉर्म का भी अटैक जो है कॉटन की प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली पंजाब के अंदर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, जहां पर मेन बेल्ट है कॉटन की, तो वहां पर भी अभी ये जो है पिंक बोलवॉर्म ने अटैक किया है, जिसकी वजह से क्रॉप जो है डैमेज होती हुई दिखाई दिया। ऑलरेडी अराइवल जो है वो अभी इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, अराइवल्स कम पहुंच रहे हैं मंडियों के अंदर। तो उसके चलते भी आगे आने वाले दिनों में प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आ सकता है, क्योंकि अराइवल का प्रेशर की वजह से भी थोड़ा बहुत प्राइसेस गिरे जरूर हैं, लेकिन आगे चलकर नए हाई को छूते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो है कॉटन ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है 10,500 पर क्विंटल। 1 नवंबर के आसपास हमने ये पंजाब की मंडियों में ये भाव देखे थे। तो अभी फिलहाल जो है एक नए स्तर पर बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इम्पैक्ट हो सकता है आपको 11,000 के भी स्तर देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अभी सिनेरियो काफी पॉजिटिव है कॉटन के अंदर, अगर रखा हुआ तो बिल्कुल उसको होल्ड करके चला जा सकता है, आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। जी,